आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि रनिंग के दौरान एलएचबी कोच में मेटैलिक पाइप टूटने पर या किसी और कारणवश कोच को बाईपास कैसे किया जाता है। आईसीएफ कोच में ऐसी खराबी आने पर कोच को बाईपास कपलर द्वारा बाईपास कर गाड़ी को सिंगल पाइप पर चलाया जा सकता है, किंतु एलएचबी कोचों में एयर स्प्रिंग होने के कारण इन कोचों को सिंगल पाइप पर नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए इसे बाईपास करने हेतु पैंट्री कार व पावर कार में 25 मीटर का बाईपास एयर होस पाइप रखने का प्रावधान किया गया है। चलिए सबसे पहले प्रभावित कोच के ब्रेक पाइप को कट ऑफ एंगल कॉक की मदद से आइसोलेट करें और आगे व पीछे के कोचों को भी आइसोलेट करके ब्रेक पाइप से अनकपल करें। अब हम बाईपास एयर होस पाइप को खोलेंगे और प्रभावित कोच से पहले लगे कोच के बीपी से कपल करेंगे और कोच के साइड से एमएस वायर द्वारा पाइप को सिक्योर करके प्रभावित कोच के अगले कोच तक लेके जाएंगे, जिससे रनिंग के दौरान बाईपास एयर होस पाइप ना लटके या कोई और असुविधा ना हो। अब हम प्रभावित कोच के अगले कोच से बाईपास एयर होस को कपल करेंगे। अब हम दोनों कोचों के आइसोलेटिंग कॉक को खोलेंगे और प्रभावित कोच के ब्रेक पैनल पर जाकर दोनों बोगियों को आइसोलेट करेंगे। डीवी आइसोलेटिंग हैंडल से डीवी को आइसोलेट करेंगे और एआर की ड्रेन कॉक से एआर को ड्रेन करें व मैन्युअली कोच को रिलीज करें। अब यह दोनों बोगी आइसोलेट हो गई है और इस कोच में अलार्म चैन पुलिंग सिस्टम भी कार्य नहीं करेगा।